राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका संतोष क्रिएटिव गार्डन में। ये देखिए, ये मेरा हाइब्रिड चांदनी का प्लांट है। कुछ टाइम पहले मैंने आपके साथ में इस प्लांट को जो फर्टिलाइज़ किया था और इसकी जो केयर की थी वो आपके साथ में शेयर की थी। और अब आप देख सकते हैं कि ये मेरा जो प्लांट है वो बुशी होने के साथ साथ इतनी ज़्यादा इसकी ग्रोथ निकल के आई है। उसके साथ ही ढेरों इसमें बर्ड्स बनी हैं। हर एक ब्रांच पे जो बर्ड्स बनी हुई है उनसे जो है मुझे काफ़ी सारे फ्लावर्स भी मिलने वाले हैं। तो जो फर्टिलाइज़र था उसका आप वीडियो है वो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। अभी भी अगर आपने अपने प्लांट को फर्टिलाइज़ नहीं किया, अगर आपके पास में देसी वाली वेराइटी या हाइब्रिड वेराइटी है तो आप चांदनी के प्लांट को फर्टिलाइज़ कीजिए, क्योंकि जो समर का सीज़न होता है वो इन प्लांट्स की जो सीज़न होता है, इनका फ्लावरिंग सीज़न होता है, ग्रोइंग सीज़न होता है। अभी से ये जो ग्रोथ करना स्टार्ट करते हैं और इन पे फ्लावर प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। पूरी गर्मी भर ये गर्मी को टॉलरेट करने वाले प्लांट है और इनके अंदर जो ग्रोथ है वो भी बहुत अच्छे से निकल के आती है। और गर्मियों में ये जो फ्लावर्स है वो भी हमें बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। तो सबसे अच्छे प्लांट है, परमानेंट प्लांट है। तो अभी अगर आप इन्हें रेडी करेंगे तो ये जो प्लांट है वो आपको पूरी गर्मियों के अंदर ढेरों फ्लावर्स देंगे। इसी के साथ में मैं आपको दिखाती हूँ मेरा जो देसी चांदनी का प्लांट था जिसको मैंने फर्टिलाइज़ किया था, उसका रिज़ल्ट भी मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये मेरा देसी चांदनी का प्लांट है जिसको मैंने फर्टिलाइज़ किया था। इसमें बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं थी और पूरी जो ब्रांचेज हैं वो विदाउट लीव्स के थी। मैंने इसको थोड़ा प्रून भी किया था और प्रूनिंग के बाद में मैंने इस प्लांट को फर्टिलाइज़ किया था। तो अभी आप देख सकते हैं कि जो कलियाँ भी इसमें काफ़ी बन रही है और उसके साथ साथ जो इसकी ग्रोथ निकल के आई है वो भी बहुत अच्छे से आई है। तो ये एक कैनेपी डेवलप कर रहा है। आप इस तरीके से जो प्लांट को प्रून कीजिए कि वो एक अच्छी कैनेपी डेवलप कर ले, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेज हो, क्योंकि इन प्लांट्स में जितनी ज़्यादा ब्रांचेज होगी उतने ही ज़्यादा आपको फ्लावर्स मिलेंगे। तो ये देखिए, जो ब्रांच होती है उसके साइड से ये इस तरीके से इसमें एक अलग से ही ब्रांच छोटी सी निकलती है और उस पर जो फ्लावर का गुच्छा है वो बनता है। तो जितनी हमारे पास ब्रांचेज होगी उतने ही ज़्यादा फ्लावर्स हमें मिलने वाले हैं। तो अभी भी आप चाहें तो अपने प्लांट को फर्टिलाइज़ कर सकते हैं और उससे जो हैं वो ढेरों फ्लावर्स आप गर्मियों में ले सकते हैं। मैंने आपको दोनों प्लांट दिखाए हैं। मेरा हाइब्रिड चांदनी का है, उसका भी रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहा है, और जो मेरा देसी चांदनी का प्लांट है इसका भी रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहा है। तो फ्रेंड्स, आप भी अपने प्लांट को फर्टिलाइज़ कीजिए और कुछ बातों का ध्यान रखिए जो मैंने उस वीडियो में शेयर किया है। उसके साथ ही आप भी ढेरों फ्लावर्स पाइए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।